तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं गौरव निरंजन। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। उसी पढ़ाई के क्रम में लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहा हूं और उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझेंगे। अगर आप लोगों में से कभी किसी ने पहले भी मेरी क्लास अटेंड की हो तो मैंने स्टार्ट करते हैं बिल्कुल प्रारंभ से कि जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है। उत्तर प्रदेश का मौसम, उत्तर प्रदेश की जलवायु, दोनों की बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं आपको जलवायु और मौसम में अंतर समझाऊं कि जलवायु क्या होती है, जलवायु जिसको इंग्लिश में हम क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु एवं मौसम में अंतर, मौसम को वेदर कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, मौसम एवं जलवायु में अंतर। तो अगर इस अंतर की बात की जाए तो जलवायु वायुमंडल की एक दीर्घ काल की प्रक्रिया होती है। जलवायु वायुमंडल की एक दीर्घ काल की प्रक्रिया होती है जो लगभग 25 या 30 और कहीं कहीं पर आपको 25 या 30 या कहीं कहीं पर आपको 40 और 50 मतलब दीर्घ काल की प्रक्रिया है, 25 या 30 वर्ष के बाद परिवर्तित होती है। 25 या 30 वर्ष के बाद क्या होती है, परिवर्तित होती है, ठीक ना। लंबे समय के बाद अगर परिवर्तन हो रहा है वायुमंडल में तो इस घटना को जलवायु, इंग्लिश में क्लाइमेट नाम दिया जाता है। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम जो होता है वायुमंडल की अल्पकाल की प्रक्रिया होती है। अल्पकाल का अर्थ क्या होता है, अल्पकाल का मतलब होता है क्षणिक मात्र की प्रक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर हम आज मई माह में चल रहे हैं, मई चल रहा है, आप देख रहे हैं कि शाम के टाइम हमें हल्की हल्की सी गर्मी लगने लगती है इस समय, ठीक ना। अगर मौसम की बात करें तो मौसम वायुमंडल की एक अल्पकाल की प्रक्रिया होती है और जो ये अल्पकाल की प्रक्रिया है ये क्षणिक मात्र होती है, एक दिन में कई बार परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर हम आज मई माह में चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सुबह जब हम जागते हैं हमें हल्की हल्की सी ठंडी लगती है, वही 2-3 बजे के लगभग हमें फिर से क्या लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है और शाम आते आते आप देख रहे हैं प्रत्येक दिन अभी बारिश हो रही है। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाता है मौसम, यानी दिन प्रतिदिन घटित होने वाली वायुमंडलीय घटनाओं के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, शब्द यूज किया जाता है मौसम। तो मौसम क्या हो गया, अल्पकाल की प्रक्रिया, और जलवायु क्या हो गई, दीर्घकाल की प्रक्रिया। अब हम एक बात यहां से यह भी कह सकते हैं कि जलवायु जो है वो मौसम का औसत होती है। जलवायु जो है मौसम का औसत, मौसम का ये औसत होती है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि किसी देश में या किसी राज्य विशेष में वर्ष के अधिकांश समय तक गर्मी रहती है। 12 महीने का जो एक वर्ष होता है, हमने देखा कि एक ऐसा समय हमने देखा कि किसी देश में वर्ष के लगभग 8 माह तक गर्मी है और 4 माह तक सर्दी है। किसका औसत जानता है, गर्मी का। हम कहेंगे कि यहां की जो जलवायु वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की गर्म है। यदि किसी देश में ऐसा होता है 6 माह तक गर्मी 6 माह तक सर्दी, तो इसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, इसके लिए शब्द यूज करते हैं सम जलवायु, ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी देश में धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, अब ऐसा हो गया 8 माह तक सर्दी रहती है और 4 माह तक गर्मी रहती है, तो हम कहेंगे इस देश की जलवायु किस प्रकार की है, इस देश की जलवायु शीत प्रकार की है। तो इस प्रकार हम जलवायु का वर्गीकरण कर लेते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग वर्ष के अधिकांश समय तक गर्मी रहती है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की हो जाएगी, वो उष्ण प्रकार की है। अच्छे समझिएगा, उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है, उष्ण प्रकार की है। और अगर मैं बात करूं कि मौसम किस प्रकार का है, तो उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो मानसूनी है। उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो मानसूनी है, मानसूनी जलवायु भी कह सकते हैं हम। मानसूनी शब्द का अर्थ होता है
मानसूनी पवने होती हैं। सबसे पहले मानसूनी पवनों को समझते हैं। मानसूनी पवने ऐसी पवनों को कहा जाता है जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले। मानसूनी पवने ऐसी पवनों को कहा जाता है जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले। ग्रीष्म ऋतु में आप देखेगा उत्तर प्रदेश में गर्म हवाएं चलती हैं जिनको लू कहते हैं, वही आप शीत ऋतु में देखेंगे उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाएं चलती हैं जिनको किस नाम से जाना जाता है, जिनको शीतलहर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर पवनों के कारण या ऋतु में परिवर्तन के कारण पवन अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है या अपनी प्रकृति परिवर्तित कर लेती है। कभी ठंडी हवाएं चलती हैं तो कभी गर्म हवाएं चलती हैं, इसलिए क्या नाम दिया जाता है, मानसूनी। अब आप अगर किसी पुस्तक में देखेंगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, और आपको एक ऑप्शन लिखा मिलेगा उष्ण मानसूनी प्रकार की, तो यही सही हो जाएगा। या फिर के बाद उष्ण प्रकार लिखा होगा तो ये सही हो जाएगा। दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश का मैंने मानचित्र लगाया है आपके लिए। ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है भारत के संदर्भ में। एक अन्य वर्गीकरण के आधार पर यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश है और यहां से एक रेखा गुजरती है, और यहां से जो रेखा गुजरती है इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। भारत के नीचे से कहीं ना कहीं यहां से एक रेखा और गुजरती है 0 डिग्री, हम यहां बना देते हैं। एक रेखा होती है जिसका नाम होता है कर्क रेखा, एक रेखा होती है पृथ्वी पर जिसका मान होता है 0 डिग्री, यानी इसको नाम दिया जाता है विषुवत रेखा। क्या नाम दिया जाता है, विषुवत रेखा। और एक और रेखा होती है जिसका नाम होता है मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है जबकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो जो कर्क से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, जो कर्क से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, इस बीच वाले क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा के जो ऊपर का क्षेत्र होता है या मकर रेखा के जो नीचे का क्षेत्र होता है, कर्क रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम उपोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इसको एक नाम दिया जाता है उपोष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा के नीचे का जो भारत है, कर्क रेखा के जो नीचे का क्षेत्र है, ये किस कटिबंध में हो गया, ये उष्ण कटिबंध में है। और कर्क रेखा के जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो किस कटिबंध में है, वो आपका उपोष्ण कटिबंध में है। अगर आपसे मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश बताइएगा किस कटिबंध में आता है, तो उत्तर प्रदेश आता है उपोष्ण कटिबंध में। इसलिए किसी किसी किताबों में ये भी लिखा रहता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की। किस प्रकार की है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। वो कितने समय तक गर्मी रह रही है, कितने समय तक ठंडी रह रही है, इस आधार पर वर्गीकरण नहीं मानता है। वो वर्गीकरण किस आधार पर मानता है, कर्क रेखा के उत्तर में या दक्षिण में। अब कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, यह तो ऑप्शन में केवल उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु लिखा होगा, या फिर ऑप्शन में केवल उष्ण कटिबंधीय जलवायु लिखा होगा, या उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु लिखा होगा, या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु लिखा होगा। चारों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, चारों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, इससे ज्यादा ऑप्शन वो नहीं बनाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझने से पूर्व हम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ऋतु देखते हैं। तीन ऋतुएं होती हैं, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु, तो उत्तर प्रदेश में अगर ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो राज्य में सर्वाधिक तापमान मई में होता है। कब होता है, मई और मई के साथ साथ जून। तो अंतिम मई और जून में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है। और मई या जून में अधिक तापमान पाए जाने का कारण क्या है, क्योंकि 21 जून को, कब 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, और जब 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो जहां पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ेंगी उस क्षेत्र का तापमान अधिक होगा, और जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होंगी उस क्षेत्र का तापमान
कम पाया जाएगा। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान अंतिम मई या मई अंतिम लिख लीजिएगा, मई अंतिम एवं जून में पाया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के हम औसत तापमान की या उत्तर प्रदेश के हम सर्वाधिक तापमान की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तापमान कितना हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक तापमान है वो लगभग 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, और वहीं ये औसत है। और वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान के लिए आपको याद रखना है 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रदेश के सबसे गर्म जिले या प्रदेश का सर्वाधिक तापमान किस जिले में पाया जाता है, ऐसे ही पूछ लेगा, सर्वाधिक तापमान वाला जिला। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान वाला जिला, तो इसके लिए आपको दो जिले याद रखने हैं। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान दो जिलों में पाया जाता है। पहले नंबर पर आपको आगरा का नाम याद रखना है, और दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है, पहले नंबर पर आगरा और दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है झांसी। कौन सा? झांसी। झांसी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, जो कि पठारी क्षेत्र है, और पठार पर चट्टानें पाई जाती हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो स्थल होता है वो जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी से क्या होते हैं, जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। अगली बात समझिएगा, अब ये तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तापमान। अब अगर मैं यही बात करूं प्रदेश का न्यूनतम तापमान वाला जिला, न्यूनतम तापमान वाला जिला अगर पूछा जाए, प्रदेश का न्यूनतम तापमान वाला जिला, तो आपको इसके लिए कौन सा जिला याद रखना है? बरेली। कौन सा जिला याद रखना है? तो इसके लिए जो जिला याद रखना है वो है बरेली। अब क्वेश्चन उसने घुमा दिया, क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का वो जिला नहीं पूछता, पूछता है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक तापमान वाला है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, इस प्रकार पूछता है। तो उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है वो है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये वाला हमने आपको पढ़ाया, बुंदेलखंड का क्षेत्र बिल्कुल दक्षिण में है, और बुंदेलखंड का क्षेत्र इसलिए सबसे गर्म पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यह कर्क रेखा की क्या है, कर्क रेखा के समीप है। तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसकी स्थिति या इसकी अवस्थिति कहां पर है, कर्क रेखा के समीप है। बिल्कुल कर्क रेखा के समीप होने के कारण यहां पर टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। ए वाला प्रश्न आपको याद रखना है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं दूसरे कलर के पेन से, बुंदेलखंड पठार कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण, कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण अत्यधिक गर्म रहता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में यानी मई और जून के महीने में स्थलीय प्रभाव अधिक है। स्थलीय प्रभाव अधिक का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, कि उत्तर प्रदेश के पास समुद्र नहीं है, यहां पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त दूर है, यहां पर अरब सागर है, अरब सागर से भी पर्याप्त दूर है। तो स्थलीय प्रभाव के कारण यानी यहां पर धरातलीय प्रभाव, स्थलीय प्रभाव के कारण यहां पर मई और जून के माह में तेज गर्म हवाएं चलती हैं। उन तेज गर्म हवाओं को उत्तर प्रदेश में
लू कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? लू कहते हैं। और ये लू पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चलती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब है आपके सहारनपुर के क्षेत्र में, सहारनपुर है आपका, शामली है, गाजियाबाद है, इस क्षेत्र में। और आपका जो दक्षिणी क्षेत्र यानी पठारी क्षेत्र है, यहां पर इनकी तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में यानी मई के माह में, उत्तर प्रदेश में मई के माह में जब बंगाल की खाड़ी से मानसून आना प्रारंभ हो जाता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून का प्रभाव यहां पर प्रारंभ होने लगता है, और यहां पर स्थलीय प्रभाव के कारण बंगाल की खाड़ी की ओर से जो आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, और स्थलीय प्रभाव के कारण यहां पर पठारी क्षेत्र पर जो शुष्क हवाएं चलती हैं, इन शुष्क और आर्द्र हवाओं के मिलने से, शुष्क और आर्द्र हवाओं के मिलने से उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में, कौन सा मैदानी क्षेत्र? गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियों के मैदानी क्षेत्र में ये आर्द्र और शुष्क हवाओं के मिलने से ओलावृष्टि के साथ वर्षा होती है। बर्फ के साथ क्या होती है? वर्षा होती है। तेज प्रचंड हवाएं चलती हैं। उदाहरण आपके सामने है, मई का माह चल रहा है, आप देख रहे हैं, आप देख लीजिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, गाजीपुर है आपका, बलिया है आपका, ठीक ना, इस वाले क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, जौनपुर है आपका, प्रयागराज है, और पीछे की ओर चढ़िएगा तो इस वाले क्षेत्र में क्या है? ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो रही है। ओलावृष्टि के साथ क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। जबकि इस वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, इस समय ओलावृष्टि के रूप में वर्षा नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत कम होती है, मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत कम होती है, क्योंकि यहां से आर्द्र हवाएं तेजी से आ रही है और यहां पर शुष्क हवाएं हैं, ठीक ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मई के माह में ओलावृष्टि, ओलावृष्टि का मतलब है बर्फ की बारिश, ओलावृष्टि के, ओलावृष्टि होने का कारण क्या है? तो आर्द्र और शुष्क हवाओं का मैदानी क्षेत्र में मिलना, आर्द्र और शुष्क हवाओं का मैदानी क्षेत्र में मिलना, ठीक ना। चलिएगा, ए आपकी क्या हो गई? ए आपकी अभी तक ग्रीष्म ऋतु हुई, ग्रीष्म ऋतु। अब आते हैं वर्षा ऋतु पर, आइएगा वर्षा ऋतु आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वर्षा ऋतु, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु की, तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है वो जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में प्रारंभ होती है, यानी अंतिम जून में। राज्य में वर्षा ऋतु जो प्रारंभ होती है अंतिम जून माह में प्रारंभ होती है। अच्छे समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतिम जून माह में प्रारंभ होती है, और ये जो वर्षा है, उत्तर प्रदेश को वर्षा कहां से प्राप्त होती है? तो उत्तर प्रदेश की अगर आप स्थिति देखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो यहां पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद यहां पर झारखंड है, बिहार है, और यहां पर बंगाल है, और बंगाल के साथ साथ यहां पर बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है उत्तर प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी से का मानसून आता है, यानी उत्तर प्रदेश की स्थिति बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है, जबकि अरब सागर से मानसून नहीं आता है। ये जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा होती है। किसकी? दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा होती है। भारतीय भूगोल में मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा, बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा मानसून, बताएं मानसून जो होगा वो उत्तर प्रदेश में किस दिशा से प्रवेश करेगा? पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, किस दिशा से प्रवेश करेगा? पूर्व से। बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करता है। जब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करता है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वर्षा
करता जाता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे मानसून की आर्द्रता में कमी के साथ साथ वर्षा की मात्रा में भी क्या होने लगती है, वर्षा की मात्रा में भी कमी होने लगती है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा करेगा, धीरे धीरे जब पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रता की मात्रा में कमी आने के कारण वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी और वर्षा की मात्रा में कमी आने के कारण इसकी सॉरी वर्षा की आर्द्रता में कमी आने के कारण वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी। अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से किस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक ना। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की एक शाखा यहां पर हिमालय पर्वत है नेपाल में, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की एक शाखा इस प्रकार से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से टकराती है और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से टकराने के कारण नेपाल के क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा करती है और उस मानसून का प्रभाव उत्तरी उत्तर प्रदेश तक रहता है। कहां तक रहता है, उत्तरी उत्तर प्रदेश। तो उत्तरी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। एक कौन सा है, क्षेत्र बोला हूं, स्थान नहीं बोला हूं, क्षेत्र। क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे जिले हैं। एक कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र। और एक क्षेत्र कौन सा है, एक क्षेत्र होता है आपका पूर्वी क्षेत्र, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश के हम लिख लेंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्रों में उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। अगर अब मैं बात करूं कि अगर आप पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं तब भी वर्षा की मात्रा में कमी होगी और यदि आप उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं तब भी वर्षा की मात्रा में कमी होगी। अगर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक है तो दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होगी। समझ रहे ना, क्योंकि जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे आर्द्रता में कमी आएगी, उत्तर से जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आर्द्रता में कमी आएगी। तो उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्र जहां पर अधिक वर्षा होगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, और कहां पर वर्षा कम होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। उत्तरी उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है गोरखपुर। तो गोरखपुर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, गोरखपुर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है मथुरा। या जिला पूछा जाए तो मथुरा, मथुरा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। अब देखिएगा प्रत्येक वर्ष की बरसात जो होती है वो अलग अलग होती है। आपको पता लगाना है वर्ष 2019 में, 20 में तो अभी हुई नहीं है, वर्ष 2019 में गोरखपुर की जो औसत वार्षिक वर्षा थी वो कितनी थी और मथुरा की कितनी थी। उत्तर प्रदेश के अगर हम पूर्वी और पश्चिमी भाग की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में लगभग 112 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, कितनी, 112 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग में जो या दक्षिणी भाग में जो है वो लगभग लगभग 91 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उत्तरी क्षेत्रों में 170। अगर राज्य की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो राज्य की जो औसत एवरेज वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग लगभग 70 से 77 सेंटीमीटर तक होती है, 70 से 77 सेंटीमीटर तक। तो आपको औसत वर्षा अभी याद नहीं रखना, बाद में खुद पढ़ाऊंगा आपको। अब एक क्वेश्चन ये आता है, ए वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को किस मानसून के द्वारा, मानसून पूछे तो दक्षिण पश्चिम मानसून, किस दक्षिण पश्चिम मानसून किस शाखा के द्वारा, बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा वर्षा की प्राप्ति होती है और यहां से लगभग लगभग उत्तर प्रदेश को 75 से 80% उत्तर प्रदेश में यहां से वर्षा हो जाती है, किसके द्वारा, बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा। कितनी होती है, न्यूनतम कितनी है, अधिकतम कितनी है, जी के वाला पार्ट है, इसको बाद में पढ़ेंगे नया, क्योंकि अभी तक नई पुस्तकें नहीं आई हैं इस वर्ष की, उनमें अपडेटेड होगा, इसलिए मैं आंकड़ा अभी आपको पढ़ने के लिए
नहीं कह रहा हूं, बहुत सारी बुकें ऐसी हैं जिनमें आंकड़ा गलत होता है। हमने आपको सेंसस वाला आंकड़ा दिया था, किसी किताब से ही दिया था, उसमें बहुत ज्यादा त्रुटि थी, इसलिए मैं अभी आंकड़ा आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। तो वर्षा ऋतु हो गई और आपकी कौन सी हो गई, ग्रीष्म ऋतु। अब आते हैं शीत ऋतु की ओर, तो जल्दी से इसको बना लीजिएगा, फिर हम लोग शीत ऋतु पढ़ते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम शीत ऋतु की बात करते हैं, शीत ऋतु, तो शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में दिसंबर से फरवरी तक रहती है। दिसंबर से कब तक रहती है, दिसंबर से फरवरी तक उत्तर प्रदेश में कौन सी क्या पाई जाती है, शीत ऋतु। शीत ऋतु में धरातल का टेम्परेचर कम होता है, धरातल पर टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है स्थल जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी से ठंडे हो जाते हैं, यानी गर्मियों में अधिक गर्म होते हैं और ठंडियों में अधिक ठंडे होते हैं। तो टेम्परेचर कम होने के कारण, टेम्परेचर का प्रेशर से विपरीत संबंध होता है, टेम्परेचर कम होने के कारण यहां पर प्रेशर अधिक हो जाता है, और अधिक प्रेशर के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, अधिक प्रेशर के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, हाई प्रेशर, ठीक ना। टेम्परेचर कम, हाई प्रेशर, तापमान कम होने के कारण, तापमान कम होने के कारण यहां पर शुष्क हवाएं चलने लगती हैं, मतलब हवाओं में नमी की मात्रा कम होती है। नमी उन्हीं हवाओं में होती है जिनमें जिनमें जो गर्म होती हैं, और जब समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तो उनमें क्या ले लेती हैं, आर्द्रता ले लेती हैं, क्या ले लेती हैं, आर्द्रता ले लेती हैं। तो यहां पर शुष्क हवाएं चलती हैं प्रारंभ दिसंबर में, शुष्क हवाएं, शुष्क हवाओं का मतलब है इनमें नमी नहीं पाई जाएगी, शुष्क हवाओं का मतलब है नमी नहीं पाई जाती। नमी किस में पाई जाएगी, उस हवा में नमी पाई जाएगी जो गर्म होगी यानी शुष्क होगी, और जब किसके ऊपर से गुजरेगी, समुद्र के ऊपर से, एक कहां पर चल रही है, धरातल पर चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का ये मानचित्र है, आपको दिख रहा है, फरवरी या जनवरी के समय, जनवरी प्रारंभ में नहीं बल्कि सॉरी जनवरी के समय उत्तर प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र से एक मानसून प्रवेश करता है, और इस मानसून का नाम है पश्चिमी विक्षोभ। क्या नाम होता है, इसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तर प्रदेश में जनवरी या फरवरी में प्रवेश करता है। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये यूरोप महाद्वीप से आता है, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लेते हुए आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे आर्द्रता लेते हुए आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या करता है, वर्षा करता है। तो पश्चिमी विक्षोभ जब यहां से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वर्षा करता है, तो ये जब मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है, यहां पर हम मान ले रहे हैं ये मिडल उत्तर प्रदेश है, तो मध्य उत्तर प्रदेश तक आते आते इसमें आर्द्रता की मात्रा क्या हो जाती है, आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, और आर्द्रता की मात्रा कम होने के कारण वर्षा की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम। तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा अधिक मात्रा में क्या हो जाती है, वर्षा होती है। ना केवल वर्षा होती है बल्कि ठंडी के मौसम में ओले भी गिर जाते हैं, अर्थात ओलावृष्टि हो जाती है। आप देख लीजिएगा, अगर बात करें तो यहीं पर दिल्ली है, ये है यहां पर दिल्ली है, तो दिल्ली के क्षेत्र में, सहारनपुर के क्षेत्र में, शामली के क्षेत्र में, बागपत के क्षेत्र में, हापुड़ के क्षेत्र में क्या होती है, सर्दियों में ओला के साथ साथ, ओलावृष्टि के साथ साथ वर्षा होती है। इस वर्षा का रीजन होता है पश्चिमी विक्षोभ। तो राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ही वर्षा होती है, और ये पश्चिमी विक्षोभ जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ता जाएगा, ये पश्चिमी विक्षोभ जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आर्द्रता में कमी होती जाएगी, और आर्द्रता में कमी के साथ साथ वर्षा की मात्रा में भी कमी होगी। अब समझिएगा, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा हो गई, बिल्कुल हो गई। क्या उत्तरी दक्षिण उत्तरी उत्तर प्रदेश में वर्षा हुई, बिल्कुल हुई सर। क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा हुई, हुई। क्या दक्षिणी उत्तर प्रदेश में यानी बुंदेलखंड पठार पर
वर्षा हुई तो बुंदेलखंड पठार पर वर्षा नहीं हुई, इसलिए बुंदेलखंड पठार पर वर्षा न होने कारण यहां से लोग बाग पलायन करने लगे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी आजीविका को चलाने के लिए रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरी ओर जाने लगे हैं। एक क्वेश्चन आला में एक उद्योग पढ़ाऊंगा मैं उत्तर प्रदेश के, तब समझाऊंगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा है, कौन सा है आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा क्षेत्र, बुंदेलखंड है, इसीलिए काफी समय से बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाए जाने की घोषणा, अलग राज्य बनाए जाने की एक मांग भी उठाई जाती रही है, ठीक ना, घोषणा तो नहीं हुई अभी। बुंदेलखंड ना केवल आर्थिक दृष्टिकोण से, यहाँ पर कृषि संबंधित कार्य भी नहीं होते हैं, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से और साथ ही साथ राजनैतिक दृष्टिकोण से भी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि जब तक भोजन मिलता है तभी तक दिमाग कार्य करता है, यानी जब व्यक्ति के पास भोजन होता है तो वो दिमाग चलाता है, जब उसका पेट भरा होता है तो वो दिमाग चलाता है, अन्य कार्यों में दिमाग चलाता है, और जब तक उसका पेट खाली रहता है तो वो केवल एक बात के लिए ही दिमाग चलाता है कि किस प्रकार अपने पेट के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, और जब व्यक्ति का पेट भरा होता है तो वो अन्य क्षेत्रों में भी अपना दिमाग चलाने लगता है, राजनीति करने लगता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राजनीति का क्षेत्र जो है वो मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल का क्षेत्र है, वर्षा अधिक होने के कारण उत्पादकता अधिक होती है, भरपूर मात्रा में यहाँ के लोग खुशहाल है, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी संपन्न है, ठीक ना। तो अगर जलवायु समझ में आ जाएगी तो अन्य जो भी फैक्टर है वो भी साथ में समझ में आ जाएंगे। लेखपाल के बैच की बात करें तो सफलता पूर्वक आलोक सर रवि सर के मार्गदर्शन में बैच संचालित हो रहा है, नीचे स्क्रॉलिंग में हमारे नंबर चल रहे हैं, आप उन पर बात कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप नंबर भी उसमें, उस पर आप व्हाट्सएप करके प्रवेश प्रक्रिया समझ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, परीक्षा तक हम आपके साथ रहेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। थैंक यू।